कटिहार में डॉक्टर पर घूसों की बरसात, परिजन ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप, कहा 50,000 लेकर भी बच्चे को मार डाला। बेतिया में युवक की सड़क दुर्घटना में मौत, बहन की शादी में शामिल होने जा रहा था तेज रफ्तार बस ने मारी टक्कर। 14 जुलाई से चलेगी चंपारण हमसफर एक्सप्रेस, सप्ताह में 2 दिन कटिहार से चलेगी दिल्ली जाने वाली यात्रियों को मिलेगी राहत। राजीव नगर जमीन विवाद, हाईकोर्ट बोला सॉरी गड़बड़ी, आवाज बोर्ड की 25 वर्षों में इसके एमडी अफसर और यहां रहे थानेदारों की सूची सौंपे। यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर, पटना से उत्तर प्रदेश और झारखंड के लिए चलेंगी सीएनजी बसें, यात्रियों को मिलेगी सुविधा। बिहार में पिछले 24 घंटे में मिले 309 कोरोना मरीज, पटना में सबसे अधिक 137 नए संक्रमित मिले, एक्टिव मरीजों की संख्या 1389 हुई। पटना में बच्चे को बेरहमी से पीटने वाला कोचिंग टीचर, अरेस्ट, छात्रा से गंदी बात करते बच्चे ने देखा था इसी गुस्से में की थी पिटाई। लालू की हालत नाजुक का बॉडी मूवमेंट बंद, दिल्ली एम्स में इलाज जारी, तेजस्वी बोले 3 जगह फ्रैक्चर, दवा के ओवरडोज से तबीयत बेहद बिगड़ी। सदर पुलिस ने 3 युवकों का स्मैक तस्करी करते दबोचा, एक शातिर की AK-47 समेत अन्य बड़े हथियारों के साथ तस्वीर हुई थी सोशल मीडिया पर जारी। समस्तीपुर में अपराधियों द्वारा फायरिंग, पंप पर नहीं मिला पेट्रोल तो की गोलीबारी, बाल बाल बचे नोजल कर्मी, जांच में जुटे पुलिस। सिवान में जारी नोट के साथ कारोबारी गिरफ्तार, गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी के घर छापेमारी कर बरामद किया गया नोट। सिवान में युवक के सीने में मारी गोली, मोबाइल छीनने का विरोध करने पर हमला, स्थिति गंभीर, पटना रिफर। प्रेमिका के पति की हत्या कर खेत में फेंका, बाघा में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश, फिर खोजने का किया ड्रामा। बंगाल पुलिस की पैंतरेबाजी से शराब माफिया फरार, दाल कोला से फरार हो गया प्रदीप दास, भाई दिलीप दास को पकड़ने में कामयाब रही टीम। गया में सड़क हादसा, एक की मौत, छुट्टी में घर आया था, टैंकर ने बाइक सवार जवान को मारी टक्कर। बक्सर में ट्रेन रोकने वाले 8 छात्र गिरफ्तार, 15 और 16 जून को अग्निपथ के विरोध में ट्रेन मार्ग अवरुद्ध कर किया गया था प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर में किशोरी को प्यार में भागने की मिली सजा, परिजनों ने अपनाने से किया इनकार, 2 दिनों से प्रेमी संग जंक्शन पर भटक रही। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में 258 पदों पर वैकेंसी, आवेदन की अंतिम तिथि आज, ITBP में कार्यरत युवाओं के लिए 90 सीट रिजर्व। पटना में अभी 4 दिनों तक गर्मी से राहत नहीं, गुरुवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक जाने की संभावना, इन जिलों में हो सकती है हल्की बारिश। जम्मू में बच्चे के गुप्तांग को चाकू से गोला, मौत, देर रात शौच के लिए घर से निकला नाबालिग, सुबह पेड़ में लटकी मिली लाश। सीतामढ़ी में साल भर से लटकी है शिक्षक नियोजन की जांच, नगर परिषद में फंसा है मामला, 2 वर्ष पूर्व तत्कालीन DM द्वारा गठित की गई थी जांच टीम। पटना के शीतला मंदिर में लालू के लिए पूजा, समर्थकों ने हवन कर मांगी सलामती की दुआ, दिल्ली एम्स में चल रहा इलाज। गोपालगंज में ड्रोन से हो रही तस्करों पर निगरानी, उत्पाद विभाग की टीम ने दियारा इलाके में की छापेमारी, शराब भट्टियां ध्वस्त। बेगूसराय में सड़क हादसा, एक की मौत, 2 बाइक की आमने सामने टक्कर, 1 JCB चालक की गई जान, दूसरा घायल। छपरा में लंगूरों का आतंक, दर्जन भर लोगों को किया घायल, जान बचाने के लिए व्हाट्सएप के लिए रहे लोग मदद ग्रुप बनाकर निकलने को मजबूर। नफीसा में दिखेगी कुमार नीरज गणेश आचार्य की जोड़ी, मुजफ्फरपुर बालिका कांड पर बन रही फिल्म हीना पांचाल के ऊपर फिल्माएंगे आइटम सॉन्ग। नालंदा में आपदा पीड़ित परिवारों को मिली सहायता, मंत्री श्रवण कुमार ने दिया 4 लाख का चेक, वज्रपात से हुई थी मौत। राजगीर में सगी बहनों के साथ हादसा, एक की मौत, अवैध बालू से लोड ट्रैक्टर ने स्कूल जा रही बहनों को कुचला, 1 जख्मी। चिरांद के थीमेटिक पार्क से लाखों का सामान गायब, पुरातात्विक स्थल से चोरी का है मामला, करोड़ों की लागत से हुआ था निर्माण। सासाराम के 25 स्कूलों के 45 शिक्षकों की वेतन कटौती जाने, लिस्ट में किनके नाम बिना सूचना विद्यालय से दिखाए। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।